मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साफ कर दिए हैं कि अब वो यू टर्न नहीं लेंगे, अब वो मर जाना कबूल करेंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। उसके बाद बिहार बीजेपी के नेताओं ने नीतीश कुमार को याद दिलाना शुरू कर दिया है कि आप इसके पहले बोले थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन क्या हुआ, आप फिर यू टर्न मार लिए और अब एक बार फिर से नीतीश कुमार के बयान के बाद बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है। दरअसल बिहार के बेगूसराय से बीजेपी के सांसद और भारत सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में नीतीश कुमार की तस्वीर लगाई गई है और बताया गया है कि जेडीयू का मतलब क्या होता है। जेडीयू का मतलब होता है यू टर्न, यानी तीन टर्न। उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से आरोप नीतीश कुमार के ऊपर लगा रहे हैं, उस विवाद से जनता दल यूनाइटेड खुद में ही उलझी हुई है, तो दूसरी तरफ भाजपा लगातार नीतीश कुमार को कोस रही है। बीजेपी ने अपने बैठक में यह तय कर लिया, केंद्रीय नेतृत्व ने यह साफ मैसेज कर दिया है बिहार बीजेपी के नेताओं को कि अब नीतीश कुमार के साथ बिहार में कोई गठबंधन, कोई समझौता नहीं होना है। नीतीश कुमार से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी कह दिया कि सवाल ही नहीं उठता है, मर जाएंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे। अब जिस तस्वीर की हम चर्चा कर रहे हैं, यह तस्वीर सीधे तौर पे गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया, उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी चिराग ने भी इस तस्वीर को साझा किया है और उन्होंने बताया है कि जनता दल यूनाइटेड का मतलब ही है यू टर्न मारने वाली पार्टी, और यही वजह है कि जब भी नीतीश कुमार को खतरा अपने लोगों से मंडराता है तो वो यू टर्न मार लेते हैं। जेडीयू तीन लेटर होता है, तीनों लेटर का मकसद सीधे तौर पे, पहली बार नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए वो बताया गया है, फिर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए वो बताया जा रहा है, महागठबंधन में नीतीश कुमार गए फिर महागठबंधन छोड़े, वो तमाम चीज़ें दिखाई जा रही है। तो सीधे तौर पर बिहार की सियासत में अब नीतीश कुमार के यू टर्न पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई है। बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बता रही है, बीजेपी के नेता नीतीश को खूब कोस रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी पता नहीं कब तक महागठबंधन के साथ है और कब यू टर्न मार देंगे, ये उनको नहीं पता है। लेकिन अब भाजपा किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि बिहार में अब भाजपा अपने बूते, अपने बदौलत, अपने ताकत से सरकार बनाएगी और ऐसे में नीतीश कुमार की कोई मदद नहीं ली जाएगी। नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ आएंगे या बीजेपी के जितना दिन साथ रहें तो भाजपा कमज़ोर हुई है।